नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में लाइफ टाइम हाई पर चल रही है, डेली मार्केट अपना नया हाई बना दी है। ऐसे में मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि हमें ये तो नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, करेक्शन देगी, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट तो करूँगा लेकिन इन्वेस्टमेंट में अपनी पूरी कैपिटल के साथ नहीं करूँगा, काफ़ी छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। दोस्तों, मैं अपनी टोटल कैपिटल का 50% से ज़्यादा इस टाइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। किसी भी स्टॉक के अंदर आप लोग 5 या 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जब मार्केट एक करेक्शन दे देती है उसके बाद हम फुल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, पोजीशन स्टॉक की सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए नया स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंफा। दोस्तों, इसे आप पोजिशन में भी लग सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है और इसने अपना इस जगह से ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा से इसी रेट पर दोबारा आ रखा है 683 के आसपास। तो दोस्तों, ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी होती है मार्केट के अंदर कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा से अपने उसी रेट के आसपास आए जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था, इसे हम बॉटम फिशिंग कहते हैं। तो जब भी स्टॉक बॉटम फिशिंग के पास आता है तो एक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, तो आप लोग यहाँ पर इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। और आप लोगों को दोस्तों इसे लास्ट में 490 के आसपास इसे एवरेज करना है। 490 के नीचे अगर ये 3-4 दिन कंसोलिडेट करे तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। दोस्तों, टारगेट मार्केट अपने आप देगा, लेकिन अगर आपको 20 या 25% मिलता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और 490 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 490 के आसपास आपको एक बार एवरेज करना है। जितना कैपिटल आपने यहाँ पे लगाया उतना ही कैपिटल आप 490 के आसपास लगाएंगे। और अगर 490 के नीचे एक दो दिन कंसोलिडेट करे, कम से कम 2-3 दिन तो ज़रूर देखना उसे, अगर 490 के नीचे 2-3 दिन रहता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रखा है। मैं किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ज़रूर ले लें। मैं आप लोगों को इस स्टॉक का दोस्तों फंडामेंटल भी दिखाना चाहूँगा एक बार। आप लोग उसे भी कंसीडर कीजिए। जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसका ब्रेकआउट देखो। ब्रेकआउट देखने के बाद अगर उसका फंडामेंटल आप लोग देख सकते हैं तो उसका फंडामेंटल भी देखो। ये टिकर टैप की ऐप है। टिकर टैप ऐप में जाके इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बना रखी है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इन्होंने 5 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें से 4 पॉइंट आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए। कंपनी लास्ट ईयर लॉस में थी और इस साल अपने प्रॉफिट में आ चुकी है। 2018 में भी प्रॉफिट में थी, 2019 में माइनस और लॉस था, 2020 में वो लॉस इंक्रीज़ करा लॉकडाउन की वजह से, और 2021 में रिकवर कर रहा है। अगर इनकी इनकम स्टेटमेंट को देखें दोस्तों, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से हायर है और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी इन्होंने इंक्रीज़ करा है अभी, तो काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं दोस्तों इस शेयर्स के अंदर। और एक लास्ट चीज़ और देखते हैं हम लोग। तो प्रमोटर होल्डिंग भी है दोस्तों इसके अंदर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी होल्डिंग है, रिटेलर्स की भी होल्डिंग है। तो स्टॉक को आप लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।